अरे कौन है भाई? चल 3 दिन से भूखा भाई, कुछ खाने को दे दे। चल, अभी बीवी घर पे नहीं है। अबे रोटी मांगी है, चुम्मा थोड़ी मांगा है, तू ही दे दे। हो गया से? ओ यार, आदमी शादी के पहले शेर होता है और शादी के बाद? अबे शेर तो शेर ही रहेगा ना, शादी के बाद भी शेर ही रहता है। और तो फर्क क्या हुआ फिर? फर्क सिर्फ इतना है कि शादी के बाद शेर पर दुर्गा बैठ जाती है। तो मैम, होप आपको इन 4 दिनों में गाड़ी चलाना आ गया होगा। जी सर। अच्छा तो बताइए, आपकी गाड़ी के सामने अगर आपके भाई आ जाते हैं और उन्हीं के बगल में आपके पति आ जाते हैं तो आप किसे मारोगे? मैं अपने पति को मारूंगी। मैम मैं तीसरी बार समझा रहा हूँ, आप ब्रेक मारोगे। पहला कलमा तैयब नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? अम्मी बोलते थे तैयब नहीं बोलना, भाई बोलना। लड़का लड़की का पीछा कर रहा था, तुम्हें पता है पीछे मेरी माँ आ रही है। तू टेंशन ना ले, हम खानदानी आशिक हैं, तेरी माँ के पीछे मेरा बाप आ रहा है। ये लड़का अच्छा लग रहा है यार, छेड़ दे क्या इसे? ए आइटम, शर्म नहीं आती ऐसे सरेआम लड़के को छेड़ते हो? अरे शर्म काहे की, आजा। चुप हो जा। यार तेरे को कभी प्यार मोहब्बत इश्क हुआ है? हट पागल। नहीं, मैं इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देती, मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ। प्यार मोहब्बत इश्क सब बकवास है। फ्लटिंग इन यूपी स्टाइल, ऐसा थप्पड़ पड़ेगा कि सीधा आगरा जाके रुकेगा। नेक धीरे धीरे मारियो, मुझे हाथ रस में कुछ काम है। तुम रोज मेरा पीछा करते हो ना, तुम्हें पता नहीं है आज पीछे मेरी माँ आ रही है। तू टेंशन ना ले जाने मन, हम भी खानदानी आशिक हैं, तेरी माँ के पीछे मेरा बाप आ रहा है। जब मैं मर जाऊँ तो सामने वाली फैमिली को जरूर बुलाना। क्यों? क्योंकि उनके घर की लेडीज मुर्दों से लिपट लिपट के रोती है। आदमी उसे ही मारता है जिसे प्यार करता है। और आप क्या समझते हैं, मैं आपसे प्यार नहीं करता? एक और एक कितने होते हैं? दो होते हैं। अगर 3 करने हो तो? वह कर दो। और 11 करने हो तो? निकाह कर दो। हम सिंगल लड़के अकेले नहीं होते साहब, हम भी किसी से प्यार करते हैं बिना उसे बताए। हम भी किसी से प्यार करते हैं बिना उसे बताए। अगर वो किसी और को चाहती है तो उसके पीछे क्यों जाए, और जो मेरे हो ही नहीं सकते। आइए आइए, अरे सुनती हो, लड़के वाले आ गए। आपकी लड़की का नाम क्या है? जी हमारी प्यारी, सबकी प्यारी, राम प्यारी। और आपके लड़के का क्या नाम है? जी हमारा गु, सबका गु, जग्गू। रात के 12-12 बजे मुझे फोन आते थे कि दोगे। मुझे लगा कोई ट्यूशन पढ़ना चाहता है, मैंने कहा बिल्कुल देंगे। लेकिन जब उसने सामने से कहा कि मैं घंटे के हिसाब से लूंगी, मेरी फट के 4 हो गई। फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ, लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसियों से भी गुजरा उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। बोल क्या खाएगा? दाल खिचड़ी। अबे मंदिर के भिखारी पिज्जा हट में बैठे हम, तेरा बाप लेके आएगा दाल खिचड़ियाँ? बाप पे मज्जा साली। ओके सॉरी, तेरी माँ लेके आएगी दाल खिचड़ियाँ? साला गरीबों का सूरज पंचोली। अरे मज्जा है, पैसा नहीं मेरे पास। लोग कहते हैं हवेली और सहेली आसानी से नहीं बनती, पर हम कहते हैं बनने में दम होना चाहिए। सहेली फोन पे और हवेली लोन पे बन ही जाती है। आपका नाम क्या है? पहनकर दिखाओ या बोलकर? मतलब पायल। ओह और आपका? हाथ में दूं या मुंह में? प्रसाद। आपका? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीर। ये टैटू कौन बनवाता है ऐसे? तू जो गांव में रहती है? हम बैंकॉक गए थे, वहाँ बनवाया था ठंडाई पी के। इसमें क्या हो गया? ताश के पत्ते बनवाए ऊपर से तुमने? हाँ तो आ जाओ, ब्लाइंड खेलो मेरे साथ। Let's go.
अनपढ़ जाहिल बेवकूफ। देखिए मैडम, जो भी नाम है आपका, ये तो मेरी शराफत है, मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा हूँ। आप जानती नहीं है मैं कौन हूँ, यू डोंट नो। अच्छा, अरे अंकल आप ही समझाइए इसको, ये जानती नहीं है मैं कौन हूँ। तुम कौन हो बेटे?